तरीके से देश में हर एक को अपनी बात बताने का हक है, लेकिन झूठ और अफवाहें फैला करके लोगों को गुमराह करके हम कोई देश का भला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं आज संविधान की बातें करने वालों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं, आइए संविधान को सम्मान करें, आइए मिल बैठ करके देश चलाएं, आइए देश को आगे ले जाएं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक संकल्प लेकर के हम चले, आइए देश के 15 करोड़ परिवार जिनको पीने का शुद्ध जल नहीं मिल रहा है वो पहुंचाने का संकल्प करें, आइए देश के हर गरीब को पक्का घर लेने के काम को हम मिलकर करके आगे बढ़े ताकि उनको पक्का घर मिले, आइए देश के किसान हो, मछुआरे हो, पशुपालक हो, उनकी आय बढ़ाने के लिए हम कामों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाइए, आइए हर पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे, आइए एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम मिल बैठ करके आगे चले, इसी एक भावना के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति जी को अनेक अनेक धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।